करके दिखा दीजिए। मैं आज उसी गौशाला में हूं जिस गौशाला की लगभग 6 महीने पहले हमने वीडियो बनाई थी, कवरेज किया था और मैंने इस गौशाला की तारीफ के बंडल बांध दिए थे। हाँ। ये जो गाय खत्म हो गई है, क्या आपने इसकी जानकारी ग्राम प्रधान को दी है? प्रधान के आगे जिंदा रहे, अब हमारे फिर मोबाइल उबाइल नहीं रहे, जिंदा थी प्रधान फिर यहाँ आए जब अब हमारे साथ में ग्राम प्रधान है या प्रधान है हमारे साथ में, जैसे कि आप लोगों ने देखा है हमारी गौशाला जो कुछ की बुलती में गए थे, वहां पर एक मृत गोवंश पड़ा हुआ है, उसके अलावा जो वहां की अच्छाई थी उन चीजों को भी रखा है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि नसीरपुर की गौशाला का हमने वीडियो बनाया था जहां पर जीवित गोवंश को कुत्ते दोस्त दोस्त खा रहे थे, कौवे को खा रहे थे और वो वीडियो काफी वायरल हुआ। सबसे बड़ी एक मुहिम है कि आखिर योगी जी की सरकार में जहाँ गौवंशों को या जो कहें कि गौशालाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, वहां पर अगर देखा जाए तो गौवंशों और गौशालाओं की दुर्दशा सामने देखने को मिल रही है। उसी के ऊपर थोड़ी चिट्ठी थी पड़ी हम यहाँ पे, यहाँ के ग्राम प्रधान सचिव से हम पूछना चाहेंगे कि आखिर जो है ये तो पहले तो पूछना ये चाहेंगे कि सबसे पहले जाते हुए मुझे वहां पे एक मृत गौवंश दिखाई दिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जानवर है, इंसान भी मरता है, जानवर भी मरते हैं, अब जो मरा है तो उठाया जाएगा भाई, किसी को मरने से थोड़ी रोक सकते हैं, बीमार होगा उसका इलाज चला और वो मर गया, डॉक्टर ने अपना काम किया, मेरा काम है चारा देना, मैं चारा देता हूँ और वहां पे साफ सफाई व्यवस्था मेरी है और आप गौशाला में जाकर देख लीजिए, कोई कमी मिलेगी ही नहीं। दादा बच्ची घर में गौशाला से होकर के आ रहा हूँ, जैसा कि हमारी आपकी पहले फोन से वार्ता हुई थी, मैंने आपको बुलाया था और आप नहीं आ पाए, लेकिन हमारा जो अपना दायित्व था, हमारा जो काम था वो मैं वहां से करके आ रहा हूँ। मुझे ये लगा कि कम से कम अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं या कोई ऐसे प्रश्न चिन्ह जिनपे लगता है कि प्रतिक्रिया आपसे मिलनी चाहिए, पब्लिक तो वो बात जानी चाहिए, आखिर अगर कोई चीज है उसके अनुमानित तौर पर अगर हम बात करें तो लगभग आपके पास कितने गौवंश होंगे? कम से कम होगा 150 के ऊपर, 160 गौवंश होगा, 160 गौवंश होगा रजिस्टर्ड, एक तो कम है एक तो ज्यादा बस। इसके अलावा जो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हम गए थे आपके यहाँ पे, आपके यहाँ केयरटेकर कितने क्या मौके पे हमें वहां पे कितने मिले आपको बताएं? आपको 2 मिले, आप क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ, वहां पे 2 मिले, 2 बाहर गए होंगे कहीं पे, आप विचार करेंगे। बिल्कुल, मैं अपनी गौशाला पे आप ये समझिए सीसीटीवी कैमरा फैल है, मैं इतनी नजर रखता हूँ, आप जरूर से रहता है, आप मेरी गौशाला में शाम तक कौन कौन आया कौन कौन गया सब ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दौलतपुर की गौशाला, उसके बाद में जस्ट पड़ोस में आपकी गौशाला है, और हालांकि आपकी गौशाला को शायद 2 या 3 साल ही हुए हैं, 2 साल हुए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अक्सर मैंने देखा है गौशालाओं में जो है कुव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, केयर टेकर है, केयर टेकर अपना ईमानदारी से नहीं काम करते हैं, जैसा कि आज शायद आपने चैनल पर वीडियो देखा होगा कि एक जीवित गौवंश को कुत्ते नौ सौ खा रहे थे, उसके ऊपर हमने कवरेज की थी और वहां पे भी केयर टेकर थे, वहां पे 5 केयर टेकर निकल गए और 5 में से वहां मौजूद है एक भी नहीं मिला, वहां पे केयर टेकर रुकते नहीं होंगे, मेरा 24 घंटे आप रात को आइए 12 बजे, 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को आपको केयर टेकर वहां पे मिलेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये जो दुर्दशा वाली गौशाला है, मैं अपना काम जानता हूँ, अगर आप अपना ईमानदारी से काम करते हैं, अपनी गौशाला को दुरुस्त कर सकते हैं, तो एक आप आइडिया बहुत समाज के लिए आस पास की जो गौशाला जी की दुर्दशा है, तो आप उनको क्या राय देना चाहेंगे, कैसे अपनी गौशाला को बेहतर बना? हम ये 5 साल आइडियल बने रहे बस, इसके बाद हम किसी को कोई राय नहीं देंगे, क्या करना है वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे ग्राम प्रधान जी ने पानी की टंकी रखवा रखी है और बड़ा सा हौदी बना रखा है जहाँ पे एक इतने सारे गौवंश, लगभग 150 से 200 गौवंश होंगे इसके अंदर, जो इस हौदी के अंदर पानी पीते हैं, साफ स्वच्छ पानी पीते हैं, और ग्राम प्रधान ने यहाँ पे इसकी पूरी व्यवस्था करवा रखी है। दूसरी चीज है, इतना बड़ा गौशाला है और एक आध गौवंश अगर मान लीजिए
खत्म हो जाता तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे इस कंडीशन में ही लाते हैं इन गौवंशों को। अच्छा इसको खुल जाएगा क्या ये, इसको खोलिए एक बार देखते हैं। तो एक आध अगर गौवंश है, देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं बताना चाहूंगा कि गौवंश जो है खत्म हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, खत्म हो जाते हैं। अगर मरीज है या उसको चोटिल है, इतने सारे गौवंश होते हैं, लड़ जाते हैं आपस में, घायल हो जाते हैं, तो बड़ी बात नहीं है कोई एक आध गौवंश जो अगर खत्म हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है केयर टेकरों की जिम्मेदारी। हालांकि ग्राम प्रधान से जो है टेंडर पे भूसा आता है, अब वो भी जो है ग्राम प्रधान का जो है रोना था वो खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है और भी सारी चीजें हैं, ग्राम प्रधान जी से मिलेंगे तो बताएंगे। फिलहाल जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि मैं जब भी इस गौशाला के अंदर आया हूँ, मैं आपको बता दूं कि ये देखो नन्ना मुन्ना से देखो यार एक बच्चा है, हेलो ए, ये देखो बड़ा चुलबुल पांडे है ये भाई। अब आप देख लीजिए पंडित जी, आप आइए इधर, ये पंडित जी है, ब्राह्मण के हैं, ब्राह्मण के यहाँ गाय वगैरह पाली जाती होंगी, इनसे भी पूछेंगे। लेकिन आप देखें कैमरामैन को दिखाइए, लगभग आईडियन पूछेंगे कितना भूसा होगा, कैमरामैन कितना लग रहा है आपको, होगा 20-25 क्विंटल। 20-25 क्विंटल क्या आम गौशालाओं में आपने इस तरीके की व्यवस्था देखी है? नहीं यहाँ पे ठीक है फिर भी, है ना, भूसा पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ है। चलो ये भूसा तो यहाँ भरा हुआ दिखा दिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती क्या है कि लोग गोडाउन में तो भूसा भर रखते हैं दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक ऐसा भी दिखाएंगे कि मैं सुमित तिवारी, जैसा कि हमने आपको बता रखा है, मैं आपको एकदम सच्ची और सटीक खबर दिखाने का पूरा प्रयास करता हूँ, दिखाता रहूंगा। मैंने आपको ये गोडाउन दिखा दिया जहाँ पे भूसा की स्टोरेज की गई है, लेकिन वही आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी मैं यहाँ पे कोई जानकारी, यहाँ पे सिर्फ केयर टेकर है। हालांकि हमारी ग्राम प्रधान से अभी यहाँ आने के बाद भी फोन पे वार्ता हुई है, उनका कहना है कि मैं थोड़ा मीटिंग में बिजी हूँ और मैं आपसे मुलाकात कर लूंगा, उसे भी 2-4 प्रश्न पूछना, क्योंकि उनके भी 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो उनको जो है इस गौशाला संचालन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, हम जहाँ जहाँ भी कवरेज करने गए हैं वहां पे हमने पाया है कि इन चन्नियों में भूसा तो नहीं होता है। ये जो चन्नी है ना, ये भाई साहब इधर दिखाइए कैमरामैन, ये भूसा है, ये भूसा है, और ये भूसा चन्नियों में नजर नहीं आता है। और अरे ये पूरा दिखा दीजिए तो लोगों को ये ना लगे कोई एडिटिंग वीडियो हो या फ्रॉड वीडियो बनाया गया है, इसमें विज्ञापन के लिए शूट किया, नहीं, ये मैं वास्तविकता दिखा रहा हूँ, वास्तविकता दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ दोनों तरफ चन्नियों में भूसा का भंडार है, इधर आ जाइए देखो, इधर भी भूसा पूरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी भूसा पड़ा हुआ है। और लोग अक्सर जो है हम देखते हैं कि गौशालाओं में भूसा को लेकर के लोग तमाम प्रकार की जो है बहानेबाजी करते नजर आते हैं, गौवंश जो है ये भूसा नहीं मिलता, भूसे लोग जिम्मेदार लोग खा जाते हैं, जिम्मेदारी लोग खा जाने का मतलब ये उनका पैसा खा जाते हैं, गौवंश को जो है ये भूसा नहीं पर्याप्त मिल पाता है। लोग अक्सर रोना रोते हैं कि 30 रुपए में एक जानवर कैसा जो है भूसा खा के जीवित रह पाएगा, तो उन लोगों के लिए ये कोई बंधे हुए जानवर नहीं है। ये देखिए यहाँ से वहां तक दोपहर का लगभग शायद 2 या 3 बज रहा होगा, मैंने टाइम नहीं देखा है, कितना बन रहा कैमरामैन, 3:46 वक्त हो गया है, यानी ये सुबह का भी वक्त नहीं है, दोपहर का भी वक्त नहीं है, गौवंश अभी छुट्टे हैं और सब उधर साइड में बैठे हैं। एक बार कैमरा में इधर से आके दिखा दीजिए कि गौशाला में जो है गौवंश छुट्टे हैं और गौवंश सब खा पी के एकदम टन होके जो है साइड में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं ऐसे जो केयर टेकर, मैं इनका सल्यूट करूंगा, फिर से दिखाइए इनको जूम करके, कि जो लोग अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। वहीं जब हमने नसीरपुर गौशाला का वीडियो बनाया था, हालांकि आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के सहयोग से वो वीडियो काफी वायरल हुआ, वायरल इस कदर हुआ कि जिस पे जो कार्रवाई होनी थी वो लगभग उसके आदेश दिए गए, आगे का अपडेट हम फिलहाल नहीं कर पाए। यहाँ पे गौवंश देखेंगे ज्यादा आपको कचरा नजर नहीं आएगा, गौवंश सब एक साइड में यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब मस्ती कर रहे हैं। मैंने यहाँ की तारीफ करी थी, वो तारीफ करने लायक थी। फिलहाल अगर आप लोग भी ऐसे ग्राम प्रधान, ऐसे केयरटेकरों का सम्मान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।